Assalamualaikum, welcome back to Mama Z channel. आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज आपके लिए बहुत आसान सी और इजी सी रेसिपी है जिसमें कुकिंग शामिल नहीं है, तो वो खाली सैलेड बन रहा है 3 बीन्स के साथ। जो भी आपके फेवरेट बीन्स हैं वो ले लें। मैंने किडनी बीन, व्हाइट बीन और चिक पीस लिए हैं यहाँ पे, और इसको मेडिटेरियन सैलेड भी कहते हैं। वेजिटेबल्स भी आप अपने हिसाब से ले लें जो भी आपके पास मौजूद हैं। मैंने हर किस्म का ले लिया है, थोड़ी सी सैलरी, थोड़ा सा मैंने लिया है क्या कहते हैं कैरेट्स, क्यूकम्बर, लेटस, यहाँ पे मेरे पास रेड पेपर है और आप ग्रीन भी ले सकते हैं जो भी आपके पास है। टमाटर है कुछ मेरे पास, हरी मिर्ची है, थोड़ा सा मेरे पास पनीर है, अगर आप डालना चाहें तो ये ऑप्शनल है। और बस ये हर्ब्स जाएंगे। चले पहले सबसे पहले चॉपिंग कर लेते हैं, बस मिक्स करते हैं। मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल, ऑलिव ऑयल है मैंने लिया है अच्छा वाला, आप वो ले लें। और इसमें मैं डाल रही हूँ हर्ब्स, ये है मेरे पास डिल, जिसको सोया भी कहते हैं, ड्राइड है, 1 टेबलस्पून ये जा रहा है इसमें। 1 टेबलस्पून जो है बेजल ड्राइड अप वो जा रहा है इसमें। ब्लैक पेपर और सॉल्ट 1/2 टीस्पून। एक लेमन जूस जाएगा इसमें। बोल ले लें या जो भी ट्रे ले लें जिसमें आपने इसको संभल करना है, सारे बीन्स इसमें जा रहे हैं। तो मैंने 1-1 कप लिए थे, आप अपने हिसाब से ले लें जो भी आपको जितना भी चाहिए। ये टमाटर और प्याज, प्याज में थोड़ी सी ऊपर डालने के लिए, मिर्चें जो मैंने काटी हुई थी एक, वो क्या करेंगे हम 3-4 क्लोव लेंगे गार्लिक के, उनको फाइनली चॉप कर लेंगे। और आप इसको उसमें क्रशर में भी कर सकते हैं, उसमें कर लें। और अब ये इसमें जाएगा जो हमने विनेग्रेट बनाया है। सैलड जो काटा था, क्यूकम्बर जा रहा है 1 कप वो है, 1/2 कप मेरे पास कैरेट है, बेबी कैरेट्स मैंने लिए थे, 1/4 कप मेरे पास सैलरी है, 1/2 बेल पेपर है रेड, और ये मेरे पास लहरस है, आप मिक्स कर लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, मेरे पास पनीर था वो डाल रही हूँ, उसके क्यूब्स किए हुए। चलें ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, बस अब कुछ भी नहीं, अब क्या करना है आपने, कुछ भी नहीं करना। अब इसको बस आपने अपना विनेग्रेट इस पे डालना है। और बस इसे मिक्स करें आप। आप देखें कि कितना खूबसूरत है रंग, और उसका रंग और उसका जो स्मेल आ रही है ना, और लेमन की, वेजिटेबल्स की ऑल मिक्स, किसका दिल चाहेगा कि वो सैलड ना खाए। टाइम आ गया इसका ट्राई करने का, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए आपका। आप जाके इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, और स्पेशली अगर आप डाइट पे हैं, आपको हर तरह का प्रोटीन मिल रहा है इसमें, और कैलोरीज जाहिर है आपको काउंट करने होंगे। तो चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।